कानपुर देहात में एसटीएसएन स्कूल झिंझक के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। कार्यक्रम में मंच साझा कर स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होकर अतीक अहमद हत्याकांड पर दिए कई बयान। पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद की हत्या के सवाल पर पाठक ने कहा कि पुलिस सुरक्षा के बीच में तो प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई थी, क्या किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई भला आदमी नहीं परेशान है, अपराधी माफिया, इसके इतने सारे अपराध हैं, अब इन्हें कौन मार गया इसकी जाँच चल रही है। वहीं जालौन में दिन दहाड़े महिला की हत्या के मामले में कानून व्यवस्था पर पाठक ने कहा कि अब हत्या करने वाले के साथ क्या दशा की जाएगी आप देख लीजिएगा। मीडिया ने पाठक से कहा कि अगर सड़क पर ही इंसाफ होगा तो कोर्ट की क्या ज़रूरत। इस पर वे बोले, जिस अपराधी पर 100 से अधिक मुकदमे हैं, कौन आया, किसने मारा, इसके लिए जांच कमेटी बनी है। वहीं अतीक के वकील के चिट्ठी वाले बयान पर सुब्रत ने बोला कि जिन हत्यारों का नाम लिखा होगा इन पर कार्रवाई होगी। अतीक की मौत पर पाठक ने कहा कि जब लोगों को लगा कि एक अपराधी का साम्राज्य खत्म हो गया है तो कोई भी अपना बदला लेने आ गया होगा। अचानक मीडिया के सवालों पर बीजेपी सांसद ने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया और कहा कि एक कमज़ोर गरीब पिछड़े उमेश पाल को मारा, उससे पहले राजू पाल को मारा, वोट बैंक की लालच में उसका किसी ने कुछ नहीं किया। योगी सरकार में उस गरीब पिछड़े को न्याय दिलाया गया, उसका सब कुछ तहज नहज कर मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं बीजेपी नेताओं पर मुकदमे कार्यवाही की बात पर बीजेपी सांसद आग बबूला हो गए और कहा कि मुकदमे तो मेरे ऊपर भी थे, सारे मुकदमे कोर्ट से खत्म हो गए, तो क्या मैं अपराधी हूँ या माफिया हूँ। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भी भले लोग होते थे उन पर मुकदमे लिखाए जाते थे। वंदे भारत के लिए कानपुर से अंकित यादव की रिपोर्ट। कानपुर जी आज क्या कार्यक्रम? आज यहाँ विद्यालय में जो है अपना पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम था। पुलिस सुरक्षा के बीच हत्या होती है, अब देखो आप पुलिस सुरक्षा के बीच में तो प्रधानमंत्री की भी हत्या हो गई तो क्या किया जा सकता है अब। लेकिन ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई भला आदमी नहीं परेशान है, अपराधी माफिया ये अपने, इनके इतने सारे अपराध हैं, अब कौन मार गया तो जांच चल रही है, जो होगा देखा जाएगा। जालौन में दिन दहाड़े एक छात्रा की हत्या हो गई, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? अब हत्या करने वाले की क्या दशा होगी आप देख लेना। सड़क पर ही अगर इंसाफ होगा तो कोर्ट का क्या काम है, क्या न्यायिक सुधार व्यवस्था यही है? देखो अब ये जो भी हुआ, हमने कहा ना एक अपराधी जिसने 100 से अधिक इसके ऊपर मुकदमे हैं, जिसके ऊपर तमाम सारे केस चल रहे हैं, कौन आया कैसे आया, और अब ये तो एक जांच का विषय है, इस पर जांच हो रही है, न्यायिक कमेटी बनी है। अशरफ और अतीक के वकील विजय मिश्रा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के पास जल्द एक सील बंद चिट्ठी पहुँचेगी जिसमें उसके हत्यारों का नाम लिखा होगा। देखो अगर जिन हत्यारों का नाम लिखा होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अतीक ने जब साबरमती जेल से चला था तब उसने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उसे एक अधिकारी ने बताया है कि जब उत्तर प्रदेश दोबारा आएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो ठीक है, देखो अपराधी, हर अपराधी को खतरा तो होता ही है, उसमें ना जाने कितनों को मारा होगा। जब लोगों को लगा कि आज इसका साम्राज्य तहस नहस हो गया है तो कोई भी अपना बदला लेने के लिए आ सकता है। वैसे कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे, पुलिस है, न्यायपालिका है? एक कमजोर गरीब पिछड़े उमेश पाल को मारा, उससे पहले राजू पाल को मारा, वोट बैंक की लालच में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। योगी की सरकार ने उस गरीब पिछड़े को न्याय दिलाया और उनका तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। सुरक्षा रोज अधिक रहती थी लेकिन उस दिन अधिक की सुरक्षा है, उसमें झूठ बताई जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उस दिन जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें कमी। सारे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एक भी अपराधी हो माफिया, मुकदमे तो मेरे ऊपर भी थे, सारे मुकदमे कोर्ट से खत्म हो गए तो क्या मैं अपराधी हूँ, माफिया हूँ मैं क्या? ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भी भले लोग थे उनके ऊपर मुकदमे लिखाए जाते थे।